जीडीओ उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तवर की अध्यक्षता में महायोजना 2031 पर आए आपत्तियों की योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह के सभागार में सुनवाई की गई, जिसके संबंध में जीडीओ उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तवर ने बताया कि महायोजना 2031 को फाइनल करने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें 11,000 आपत्तियां प्राप्त हुई थी जिनको अलग अलग कैटेगरी में बांट कर सुनवाई शुरू की गई है। शुक्रवार को 100 लोगों की सुनवाई की गई है, शनिवार को भी 100 आपत्तियों की सुनवाई की जाएगी, अगले हफ्ते से 300 आपत्तियों की सुनवाई की जाएगी। हम लोग अलग अलग ग्रुप को बुलाकर सुनवाई कर रहे हैं, जिससे आपत्तियों की सुनवाई करने में आसानी हो। आगे बोर्ड के सदस्यों के साथ आपत्तियों पर बैठक की जाएगी। अंतिम निर्णय से सभी आपत्ति करने वाले नागरिकों को अवगत करवाया जाएगा और यह सुनवाई 15 दिनों तक चलती रहेगी। इसलिए जो भी नागरिक किसी भी तरह की आपत्ति डाला हो, वह प्रेक्षागृह पर 15 दिनों के अंदर आकर अपना सुझाव दे सकता है। इस अवसर पर जीडीए सचिव उदय प्रताप सिंह, सहायक संपत्ति अधीक्षक इंद्रजीत सिंह, नगर नियोजक अरविंद कुमार शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तवर ने कहा, मीना वर्मा हो गया, हो गया ठीक है सर, अब आने दीजिए और लोगों को आ जाने दीजिए। मैं एक साथ में मकान बना हुआ है, नक्शा पास है, मैं इसे सभी लोगों के साथ खड़ा कर लिया, उनका कुछ कर लिया। ये यही तरीका है कि ग्रुपिंग करके जल्दी हो जाएगा। हाँ, उनको छोड़ कर दिया, छोड़ दिया, उस वाले जितने आए थे ठीक है। आपको तो आज 100 लोगों को हमने बुलाया है और टाइम क्या रखा गया है, कब तक रहेगा? 2 बजे तक। हाँ, 2 फर्स्ट आपने रहा करेगा तो 15 दिन जो है हम लोग लगभग यहाँ पे चाय पिया रहे हैं। आगे से ज़्यादा और 200 मिलेगा, फिर एक बार लाएगा हम 500 मौजूद कर दिए हैं। उसके हिसाब से हमने 100 के दिए, 200 अभी के चले गए, उसके बाद सर उसको बढ़ा दें। फिर इसको ना 100 के बाद में आप कोई दिक्कत नहीं, सुन लेंगे, दिखेगा, उसकी गलती नहीं है, अपना घर बन गया है। हाँ, जमीन खाली बची ही नहीं, और पिछली बार भी पोखंडी पार डाल दिया गया था, इस बार अभी हटाया नहीं है। अच्छा, आपका सुन लिया गया था। आप थे ना, तो है ना, पर आपकी बात हो चुकी। हाँ, तो उसको हटाना है सर, सुनवाई तो एक बार ही होगी ना, ठीक है। 2009 पास में रोही राम जानकी नगर का है, वो आवासीय है, कितना है काफ़ी मकान बन रहे हैं। बिल्कुल, आपकी बात को हमने सुन ली, 2000 से ही सर वो चल रहा है। बिल्कुल, ये अपनी बात रखिएगा, ये तो आप ऑप्शन हो गया, आपका हो गया, तो आने के लिए बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, प्लीज बैठ के बात बैठ जाए, मास्टर साहब बात सुना दे। तो किसी किसी तरह जमीन खरीदा, कुछ बैंक से लोन लेकर, आज भी वो लोन चुकता कर रहे हैं, और वहाँ अपने जमीन बच्चे हमसे अलग हो गए हैं, वो अपना कहीं प्राइवेट नौकरी जॉब करते हैं, अपना अपना परिवार लेकर, हम पति पत्नी वहाँ रहते हैं। तो सर मेरा यही निवेदन है कि वहाँ बहुत सारे लोग नक्शा पास करवा कर बनवाए हैं, जब जमीन खरीदी गई लैंड यूज आवासीय था, 2031 के महायोजना में उसको आवासीय ही रखा जाए, क्योंकि ऐसा अगर नहीं होता है तो हमारे जैसे गरीब कहाँ जाएंगे सर, आप कहाँ शरण हमको कहाँ देंगे, हम कहाँ रहेंगे बताइए। तो मुझे लगता है कि सारे जो लोग जंगल सीकरी से आए हैं उनका एक यही आपत्ति है कि जब अब जो है उसको ग्रीन कर दिया गया वो 100 मीटर की वजह से, तो आप लोगों की आपत्ति यही थी कि चूंकि पहले आवासीय था तो कुछ नक्शे भी प्राधिकरण के द्वारा पास किए गए हैं, तो उसको अब पुनः उस ओरिजिनल प्रारूप में रखा जाए और उसको चेंज ना किया जाए, ये आपकी आपत्ति है ना, ठीक है। तो क्योंकि सब लोग एक ही बात आप लोग कहेंगे, तो सबकी बात को हम लोगों ने संज्ञान ले लिया है, और एक बार जब ये सुनवाई पूरी हो जाएगी, क्योंकि 11,000 आपत्तियां हैं तो हम भी समय थोड़ा सा लगेगा 15 दिन का, 15 दिन के बाद ये समिति अपनी रिपोर्ट जो है आपकी बात को बहुत प्रैक्टिकल रूप से और व्यवहारिक रूप से जो निर्णय होगा हम लोग अपनी बात को बोर्ड के सामने रखेंगे, और संभवतः अच्छे अच्छे रिजल्ट आप लोगों को आएंगे और शहर को बेनिफिट होगा, ऐसे महायोजना हम लोग फाइनल करेंगे। इनका नक्शा 31 अक्टूबर को पास हुआ है। हाँ नहीं, ठीक है, आपकी सारी बात को विधिवत रूप से हम लोगों ने नोट कर लिया है, और इस बात के लिए मैं आश्वस्त करता हूँ, VC होने के नाते
इनको फिर गलत नहीं किया जाएगा। देखिए हमारा जो मास्टर प्लान है उसको हम लोग फाइनल करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और उसी क्रम में जो हम लोगों ने आपत्तियां जो हमें प्राप्त हुई थी, लगभग 11,000 आपत्तियां हमको प्राप्त हुई थी, तो उनको सबसे पहले हम लोगों ने ग्रुपिंग किया। ग्रुपिंग करने के बाद में कैटेगरीज में डेवलप किया कि किस किस कैटेगरी में आपत्तियाँ हमें प्राप्त हुई हैं, और फिर उनको ग्रुपिंग करने के बाद में आज से हमने उनकी सुनवाई प्रारंभ की है। तो आज चूँकि पहला दिन था तो हम लोगों ने 100 लोगों को आज यहाँ पर इन्वाइट किया था, और उसके बाद में कल और परसों भी हमारे पास में 100-100 लोगों को हमने इन्वाइट किया है। अगले वीक से ये संख्या हम प्रतिदिन जो है 300 के आसपास संख्या हम बढ़ाएंगे, और अगले वीक में फिर इसको 500 पर डे तक हम लेके जाएंगे, और ग्रुपिंग करके हम बुला रहे हैं, एक ग्रुप के लोगों को एक साथ बुला रहे हैं ताकि हमें सुनवाई करने में भी आसानी हो और उनको भी अपनी बात कहने में आसानी हो। तो जितने भी उनके मत हैं वो सारे मत एक बार में निकल के आ जाते हैं, और फिर उसके बाद में निर्णय हम लोग ले सकें। आगे की जो कार्रवाई होगी, एक बार समिति एक बार अपना निर्णय यहाँ पर कर लेगी, उसके बाद में जो हमारे निर्णय है वो बोर्ड के समक्ष हम लोग प्रस्तुत करेंगे, और उसमें जो निर्णय होगा उस आज के समिति में हम यहाँ से प्रेषित करेंगे, और जो अंतिम निर्णय होगा वो पब्लिक को भी हम लोग जो यहाँ पे रहवासी हैं, गोरखपुर निवासी हैं, या बाकी लोग जितने भी लोग जिन्होंने आपत्तियाँ की हैं या नहीं भी की हैं, तो मास्टर प्लान में जो इंटरेस्ट रखने वाले स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको हम विधिवत रूप से ये सारी सूचना उनको उपलब्ध कराएंगे। कितने दिन तक हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द हम लोग इनको पूरा कर लें, बट लगभग 15 दिन का समय इसमें लगेगा।